हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का यूनिट 10 वर्कबुक चैप्टर विच इज लिंक्ड विद द लेसन द बनियान ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉम्प्रिहेंशन को रीड आउट करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये एक स्टोरी है कैट और डॉग की। देयर लिव्ड अ कैट एंड अ डॉग। द कैट्स नेम वॉज किटी एंड डॉग वॉज कॉल्ड मोती। दे वर वेरी फ्रेंडली। कैट का नाम क्या था? किटी। और डॉग का नाम था मोती। दोनों ही बहुत फ्रेंडली थे। वन डे दे सॉ अ पीस ऑफ केक इन द वेरेंडा। द टू फ्रेंड्स रन टुवर्ड्स इट एंड कोलाइडेड विद ईच अदर। कोलाइडेड यहाँ भिड़ गए, ठीक है, लड़ाई करने लगे। नाउ दे बिकेम एनिमीज एंड स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द पीस ऑफ केक। A cunning squirrel was watching them from a branch of a tree nearby. Squirrel, गिलहरी वहाँ देख रही थी उन दोनों की लड़ाई को। It jumped at the cake, ate it quickly and climbed back to the tree, licking his lips. It sat on the tree comfortably and began to laugh loudly. वापस जाकर पेड़ पर बैठ जाती है, पूरे के पूरे केक को खाकर वापस जाकर पेड़ पर बैठ जाती है और हंसना शुरू कर देती है। The dog and the cat stopped fighting and looked at the squirrel. The squirrel told them, "Thank you for the piece of cake and thank you for the fighting exhibition." और वो जो है cat और dog दोनों को क्या करती है? Thank you करती है cake के लिए भी और उनकी लड़ाई के लिए भी। तो कभी भी आपस में लड़ाई ना करके चीजों को मिलजुल कर बांट लेना चाहिए। यहाँ देखो, क्योंकि ये दोनों की लड़ाई के बाद दोनों को तो कुछ भी नहीं मिला, बट उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर तीसरे को यानी स्क्वायरल को पूरा का पूरा केक वो खा गई। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट टी फॉर ट्रू आंसर्स एंड राइट एफ फॉर फॉल्स। द कैट एंड द डॉग ऑलवेज केप्ट फाइटिंग। ऑलवेज हमेशा नहीं लड़ाई करते थे, पहले वो फ्रेंड थे बाद में लड़ाई की उन्होंने, तो ये फॉल्स है। द स्क्वायरल वॉज क्लेवर। क्लेवर थी, ट्रू है। द स्क्वायर लाफ्ड एट द डॉग एंड द कैट। यस इट्स ऑल्सो ट्रू। द डॉग एट द पीस ऑफ केक। नो फॉल्स, स्क्वायर ने खाया था। मिक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। कनिंग और फ्रेंडली। द कैट एंड डॉग वर वेरी फ्रेंडली और द स्क्वायर वॉज वेरी कनिंग। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वोकैब पार्ट पर, और वोकैब पार्ट में हम देखते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द फ्रूट्स एंड ग्रुप देम एज शोन बिलो। फ्रूट्स विद वन सीड यहाँ हमें दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ फ्रूट्स विद मैनी सीड्स। तो फर्स्ट है मैंगो, सेकंड वाटरमेलन, नेक्स्ट है लीची, नेक्स्ट है एप्पल, नेक्स्ट ऑरेंज, नेक्स्ट पपाया, नेक्स्ट चेरी। तो वन सीड जिनमें एक बीज होता है, मैंगो, एवोकाडो और डेट और ऑलिव, एप्पल, पपाया, गवावा, ऑरेंज, ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ आपके जो है मैनी सीड्स वाले फ्रूट हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। अनजम्बल्ड द फॉलोइंग वर्ड्स टू फाइंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट में क्या है? कंप्लीट। अब कंप्लीट का यहाँ फिनिश, ठीक है। स्पीक, स्पीक का है टॉक। टेस्टी, यम्मी। लैंडेड, अराइव्ड। कैप्चर्ड, कॉट। लीडर, हैड। डैम्प, वेट। ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनको अनस्क्रैम्बल करके हमें ये वर्ड्स से बनाने हैं, ये वर्ड्स जो है इनसे बने हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स एंड देन राइट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो। वन इज डन फॉर यू। फन, फन का है बन। तो थिंग, थिंग का है ब्रिंग। माइट, राइट। काओ, काओ का है नाउ। होल्ड, टोल्ड। हर्ट, स्टार्ट। मतलब राइमिंग वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन जब हम बोलते हैं तो दोनों का जो एक्सेंट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमने क्या कर दिया यहाँ पे कैटेगराइज करके इनको हमने मार्क कर दिया है। अब आ जाते हैं थिंग, ब्रिंग, माइट, राइट, काओ, नाउ, होल्ड, टोल्ड, हर्ट, स्टार्ट। ये एग्जाम्पल हमने इस एक्सरसाइज के यहाँ पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर ग्रामर स्ट्रक्चर में। यहाँ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
herself, itself, he, herself, it, itself, he, himself, me, myself, I, myself, you, yourself. ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का ग्रुप है. तो देखो, he himself called the police. She cut herself with a knife. तो ये यहाँ पे he के अकॉर्डिंग himself है, सीता के अकॉर्डिंग herself है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यहाँ फिल करने हैं. द डोग, डोग के लिए herself आएगा, itself, itself सही रहेगा. अशोक हैज डन हिज वर्क, himself, अशोक जो मैस्कुलिन है तो himself आएगा. दे themselves, द बेबी herself, आई myself, आई अगेन माई सेल्फ, और वी के अकॉर्डिंग आवर सेल्स आ जाएगा. तो आप इनको रीड करेंगे तो इनकी मीनिंगफुल जो है सेंटेंस की फॉर्मेशन बन रही है. नेम द पार्ट ऑफ अ ट्री, इट गिव्स अ हीट, heat, ओके. इट गिव्स अ फ्लावर्स, इट गिव्स फ्रूट्स. अब देखो यहाँ पे लीव्स हैं, बी से ब्रांचेस हैं, सैपवुड है और रूट है, ठीक है. तो ये हमने क्या कर दिया, नेमिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ट्री हमने किया है. अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है गिवन बिलो आर द सिंपल इंस्ट्रक्शंस हाउ टू प्लांट अ सैपलिंग, कि एक पौधा कैसे लगाना है. उस पौधे को लगाने की जो प्रोसेस है वो हमें लिखनी है. ये सिक्स हमें स्टेप दिए हुए हैं, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ऐसे हमें इनको क्या करना है, सीक्वेंस देना है. तो सबसे पहले आएगा टेक अ स्पेड और ट्रावल और डग अ स्मॉल पिट इन द गार्डन. फिर आएगा टेक अ सैपलिंग, प्लेस द सैपलिंग इन द पिट, फिल द पिट विद द सॉयल, प्रेस द सॉयल जेंटली टू मेक द पिट स्टेबल एंड वॉटर द प्लांट. ये आपका सीक्वेंस रहेगा और इस तरह से आप क्या कर लेंगे, अपने पौधे को लगाएंगे. अब नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिक्शनरी पेज फाइंड द वर्ड्स विच मीन द सेम एंड राइट इन द मीनिंग. अ सॉफ्ट साइनी ग्रे वाइट मेटल अलाइक विदाउट एनी नॉइज, ओके. अब अलाइक का देखेंगे, यहाँ हम अलाइक का जो सेम मीनिंग जाएगा वो जाएगा सिमिलर और लाइक, विदाउट एनी नॉइज साइलेंट और साइलेंस. अ फाइन क्लॉथ सिल्क स्मूद थ्रेड, ईजी टू अंडरस्टैंड सिंपल, ठीक है. तो यहाँ इन मीनिंग्स को आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. इस वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं. सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू.